लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बीएसपी कार्यालय में हूं, पटना में हूं, और मैं बात कर रहा हूं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कि एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो क्यास लगा रहे हैं उस क्यास पर शायद अटकलें पैदा करेगी बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रभारी हैं मृंगकर जी, जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई है सर, आप लोग आज मीटिंग में जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे क्या जो बिहार का खास करके लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग कितना टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं। बिहार लोकसभा चुनाव में सीधा करिए, हम लड़ तो सभी सीटों पर रहे हैं। माननीय बहन जी ने जैसा ऐलान किया कि हम पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भी हम 40 की 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। इन 40 सीटों में से जो हमारी हॉट सीट हैं, मैं आज उसकी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। उसमें अगर देखें तो तीसरे फेज की हमारी एक सीट झंझारपुर की सीट है, जिस पे श्री गुलाब यादव को बहन जी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। गुलाब यादव स्वयं में एक लीडर हैं मिथिलांचल के बेल्ट में, वो विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी एमएलसी हैं, और वो एमएलसी भी उन्होंने निर्दलीय जिताया। स्थानीय निकाय के चुनाव से जो एमएलसी बनते हैं निर्दलीय उन्होंने जिताया, और वो तब उन्होंने एमएलसी अपनी वाइफ को बनाया श्रीमती अंबिका यादव गुलाब यादव को, जब श्री लालू प्रसाद यादव के लोगों ने, श्री नीतीश कुमार के लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, फिर भी वो एमएलसी बनाने में कामयाब रहे। उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव वो जिला परिषद की चेयरमैन हैं। मैं तो कैंडिडेटशिप की घोषणा करने के बाद, बहन जी का आशीर्वाद मिलने के बाद, हमने जब परिचय किया अंबिका गुलाब यादव से, बिंदु गुलाब यादव से, तो मैं तो अवाक रह गया। वो तीन के तीनों ही लीडर हैं उस क्षेत्र में, और जनता एक्सेप्ट करती है। बहन जी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वो सीट किसी भी कीमत पर कोई दूसरा नहीं जीत सकता है, जीतेगी तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, वो हमारी हॉट सीट है। और आप आगे बढ़ेंगे तो नेशनल दस्तक के इंचार्ज रहे, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूबर में, मैं तो ये कहूँगा कि बहुजन समाज के लिए यूट्यूबर में या सोशल मीडिया में अगर किसी ने पहली दस्तक दी तो वो शंभू कुमार सिंह हैं। शंभू कुमार सिंह ने नेशनल दस्तक दिल्ली में स्थापित किया, और आज पूरे देश में हजारों पत्रकार, हजारों यूट्यूबर, हजारों चैनल बना करके वो बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, माननीय कांशीराम साहेब की बात करते हैं, और माननीय बहन जी की बात करते हैं, और बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे एक पत्रकार जिन्होंने पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन मूवमेंट को धारदार बनाया, तो उनको माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, शंभू कुमार सिंह को। वो जो सुप्रसिद्ध स्थल है या बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, तो वैशाली जो लोकतंत्र की जननी कहलाती है, वैशाली से वो चुनाव लड़ रहे हैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से। वो भी हमारी हॉट सीट है, वो सीट भर किसी भी कीमत पर दूसरा। दो सीट कंफर्म है आपका? दो सीटें मैं और आगे बता रहा हूं आपको, ये तो चूंकि आज अभी शंभू कुमार सिंह आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाया हमने, समागम करवाया जिले के लोगों से, इसलिए मुझे बात वहां तक लेकर के आनी थी। उतनी ही नहीं, जहानाबाद की लोकसभा सीट पर दो दो बार सांसद रहे, एमएलसी रहे, भूमिहार समाज के लीडर, जिनका एक बहुत सोवर पर्सनालिटी है, पूरे बिहार में लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, या यूं कहें कि उनसे जब परिचय हुई, बातचीत हुई आज के 5 साल पहले 2019 में, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाला मैं भी हूं, मेरा प्रथम योगदान है उनको नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार धोखेबाज निकले, इसलिए मैं नए सिरे से राजनीति करता हूं। मैं बात कर रहा हूं जहानाबाद से सांसद रहे डॉक्टर अरुण कुमार बाबू की बात कर रहा हूं। तो वो जहानाबाद से माननीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी हम किसी भी कीमत पे हम जीतेंगे, कोई दूसरा जीतने वाला नहीं है। हैट्रिक का गारंटी है? हैट्रिक है, तीन बता दिया मैंने, मैं चौथे की बात करता हूं, जो कि मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था। चौथे की बात तो पहले करनी चाहिए थी, 1 साल पहले 19 अप्रैल को वो अपनी एक पार्टी चलाते थे, जनतांत्रिक विकास पार्टी, अनिल कुमार चौधरी जी, अनिल कुमार पटेल जी, जो जाना माना चेहरा है बिहार में, उन्होंने अपनी पार्टी कई वर्ष तक चलाई है, काफी वर्कर्स उनके रहे हैं। उन्होंने माननीय बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर के 19 अप्रैल पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी को बीएसपी में मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद उनके पूरे संगठन के लोग बीएसपी में मर्ज किए, उनके जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, ऐसे 12-13 लोगों को प्रदेश कमेटी में हम लोगों ने स्थान दिया माननीय बहन जी के आशीर्वाद से।
तभी उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब अगर बक्सर लोकसभा सीट माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो हम लड़ेंगे। बक्सर से साल भर पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक एक पंचायत एक एक पोलिंग बूथ पर लोग नारा लगाते हैं 10 यूथ पर बूथ। आप जाके बक्सर में सर्वे करे आइए, मीडिया के साथी हैं, 10 यूथ पर बूथ नहीं, एक एक बूथ पर सैकड़ों सैकड़ों लोग दीवाने बने घूम रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लिए घूम रहे हैं, अनिल जी का जय जयकार कर रहे हैं, मानी बहन जी का जय जयकार कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी बक्सर की सीट जीतेगी। बगल में एक सीट की बात और मैं करूंगा, बगल में एक सीट सासाराम की है, रिजर्व सीट है, पुस्तैदी बाबू जगजीवन राम कब्जा करके बैठे हुए थे, मीरा कुमार जी बनी, बुजुर्ग हो गई हैं, सरेंडर कर गई, अब वो नहीं लड़ रही हैं, अब वो नहीं लड़ रही। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक साथी को उतारा है, कोई चेहरा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई भाव नहीं है। हमारी ही पार्टी से एक आदमी चुनाव लड़ा था पिछली बार, बड़ा मैं तो कहूँगा कि डुप्लीकेट टाइप का आदमी, बहन जी को धोखा दिया, या यूं कहूँ मैं दोगला टाइप का आदमी। मेरी बात थोड़ी तीखी हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथी हमारा वर्कर था, हमने उसको जोन इंचार्ज बनाया था, हमने फिर प्रदेश का प्रभारी बहन जी से कह करके बनवाया और लोकसभा का चुनाव लड़वाया। मनोज कुमार की बात कर रहा हूँ, उस मनोज कुमार से सासाराम पार्लियामेंट का एक एक वर्कर नाराज है। और खासकर तीनों कैंडिडेट चमार बिरादरी से हैं, चमार बिरादरी तो फूटी आंख नहीं देखना चाहता उस मनोज कुमार को, कांग्रेस पार्टी ने अब की बार उसको हमारे खिलाफ उतारा है, जमानत जब्त होगी कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी वाला मुंह की खाके गिरेगा। वहां पर माननीय बहन जी ने अभी एक साथी को हरी झंडी दिया है और लगातार उस पर चर्चा होती रहती है, दूसरे दूसरे दल के नेता भी हमसे वहां पर टिकट मांग रहे हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, बड़ी तेजी के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सासाराम लोकसभा सीट भी बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर जीतेगी, उसको कोई हरवा नहीं सकता है। ये मैंने कुछ हॉट सीटों की चर्चा किया है, और भी हॉट सीटें होने वाली हैं, उसकी भी बात मैं बताऊंगा। आप हमारी बात को प्रसारित करें, और आज हमारे मुजफ्फरपुर के साथी लोग इधर आए हुए हैं, अभी और सीटें बेहतर होने वाली हैं। सर एक लाइन में बताइए, क्या बिहार के राजनीति प्रदर्शन होगी, राजनीति का रूप होगा, क्या रूप होगा? देखिए बिहार की जो इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है ये लग रहा नहीं, पूरे हमारा संगठन बहुत मेहनत काम किया है बूथ बॉर सेक्टरों को लेकर के, इस बार दर्जनों हम सीट जीत करके बहन जी की झोली में डालने काम करेंगे। क्या बात है सर, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? आप तो पूरे ग्राउंड लेवल पर घूमते होंगे, तो क्या कहेंगे, क्या रुझान है लोगों का? देखिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बहन जी ने मेरे जैसे वर्कर पर भरोसा किया, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, जब से बहन जी ने मुझे बिहार का बागडोर दिया है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, तब से हमारे समाज के लोग बहन जी का वंदन कर रहे हैं, उनका उनके लिए प्रति जो है आभार प्रकट करते हैं, और हमारे समाज के अति पिछड़ा समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी दल ने बिहार के चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, यानी जो भी पार्टियां हो, किसी ने अति पिछड़ों को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया है। इस बार बहन जी ने अति पिछड़ा को सम्मान दे करके पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा किया है, और सारे के सारे जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको एहसास हो गया है कि इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचने का काम करेगी, और आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार भी सबसे आगे रहेगा, पूरे देश में बिहार भी नंबर 1 पर रहेगा। अभी अभी मीटिंग हुई है, शंभु कुमार सिंह कुछ बोलकर गए हैं, उन्होंने कहा साफ साफ कहा कि इस बार को जो इतिहास होगा बिहार में भारत में, तो प्रधानमंत्री की बात है तो बहुजन समाज की ही बेटी प्रधानमंत्री बनेंगी, और 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी 400 की पार की बात करते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस शायद बिहार का जो राजनीति है तोड़ने का काम करेगा। मैं शंभु कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।